और ऐसे वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। और इसके अलावा एक दो सवाल, एक दो के हमें थोड़े ज़्यादा ही सवाल, जैसे इसके बाद एक लेक्चर और पूरा उसी पर डेडिकेट होगा, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा जिनसे आपको थोड़ा सोचने का एक नया तरीका मिलता है। तो पहले ही वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 1, 3, 5 और 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स मेड बाय यूजिंग दीज नंबर्स, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कहता है इस इन चार नंबर से जितने भी नंबर फॉर्म हो रहे हैं उन सबका सम निकालो। तो अप्रोच कैसे करेंगे वो देखते हैं। चार स्लॉट होंगे, पहले नंबर बनाना देखते हैं कैसे होता है। और सपोज करो कि 1 यहां आ गया, ठीक है, यहां पे मैंने 1 को फिक्स किया। इसके पास कितने ऑप्शन है आप? 3। ये 3, 5, 7 में से किसी कोई एक ले सकता है, कोई एक ले लिया। इसके पास 2 बचे, इसके पास 1 बचा, इक्वल टू 6। तो सपोज कि मैं ऐसा ऐसे नंबर बनाता हूँ जिनमें यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, और जब मैं उन नंबर्स को ऐड करूंगा तो जो यूनिट प्लेस वाले 1 का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 6, ठीक है। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया। यहां वाले का देखते हैं, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, ठीक है, वही मैंने 1 को यहां पे फिक्स किया, फिक्स फिक्स। तो जो 10th प्लेस वाले 1 का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? 6, तो ये हो गया इनटू, अब ये वाला 1 जब सिर्फ ये वाले 1 की वजह से क्या होगा, इस वाले यूनिट प्लेस को मैं अगर हटा दूं तो 10th प्लेस पे तो इनटू 10 कर देंगे। वैसे ही 1 को यहां फिक्स किया, 3, 2, 1, 6 × 10⁻², यहां फिक्स किया 1 को, 3, 2, 1, 6 × 10³, ठीक है। बेसिकली हमने किया क्या, 1 को फिक्स किया। अब ऐसे नंबर इसमें लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें 1 की वजह से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 6 का। 10th प्लेस पे आ रहा था 10, मतलब समझ रहे हो आप, 1 और 0, 10 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 6 × 10, 100 का 6 × 100, 1000 का 6 × 1000। ऐसे ही ये तो 1 के लिए था, फॉर 1, फॉर 3 कितना होगा? 3 भी ऐसा ही कुछ होगा, बट उसमें क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, 3 × 6, मतलब 1's प्लेस, थ्री इंटू सिक्स, क्योंकि अरेंज तो वैसे ही होगा 3 × 2 × 1, सपोज ऐसे है, यहाँ पे 3 को फिक्स किया, 3 × 2 × 1 ही तो होगा, आएगा तो 6 ही, ठीक है। 6 × 3, 10th पे क्या होगा, 3 × 60, 6 × 10 × 10 करते हैं ताकि थोड़ा बाद में इजी हो, 100, 3 × 6 × 10², 1000s, 3 × 6 × 10³, ऐसे ही सबके लिए होगा। अब आप समझ रहे हो, जब मैं किसी नंबर को लिखता हूं, मैंने सपोज लिखा, यहां पे लिखते हैं रफ 525 लिखता हूं, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं ना, 500 + 20 + 5, ये 10th प्लेस वाली का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ये 100 प्लेस वाली का हो गया, ये 1 प्लेस वाली यूनिट प्लेस वाली का हो गया, यूनिट। वैसे ही मैंने नंबर को भी तोड़े, जब 1 यूनिट पे था तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 6, जब यहाँ पे हो गया 60, ठीक है, 5 के लिए भी वैसे ही होगा, 6 के लिए भी। जब मैं ऐड करूंगा तो कैसा कुछ आएगा, 6 ये बाहर ले गया, ठीक है, इंटू 1's प्लेस प्लस 10's प्लेस का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 100 प्लेस का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 1000 प्लेस का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यही होगा ना। 6 बार ले लू, इन सबको ऐड करूं, बेसिकली मैं निकालना क्या, मैं सम निकालना, सम निकालने के लिए मैं ये करूंगा,
और वैसे ही 5 के लिए भी करूंगा, वैसे ही 7 के लिए भी करूंगा। तो क्या हो गया, 1 + 3, 5 और 7 के लिए बस यहाँ पे 5 5 5 लगाते जाओ, 7 के लिए 7 7 7 लगाते जाओ, तो ये 5 + 7 ये आपका आ गया आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, इसको रफ नहीं लिखते, सो कॉन्सेप्ट लिखते हैं। कॉन्सेप्ट है 525 है, कैसे तोड़ा, 500 + 20 + 5, 100 प्लेस को अलग तोड़ लिया, 10 प्लेस को अलग तोड़ लिया, यूनिट प्लेस को अलग तोड़ लिया, हमने तोड़ तोड़ के देखा कि जब 1 यहाँ आ रहा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 6, जब 10 प्लेस पे आ रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 60 प्लस, जब 100 प्लेस पे आ रहा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 600, यहाँ आ रहा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 6000 हो गया। अब हमने बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 1 सपोज जिस वाले नंबर की बाकी चीज कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बाकी जगह कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब हम 3 का केस बना रहे हैं, सपोज 3 यहाँ पे आता, सपोज यहाँ पे 3 आता तो वो कहाँ हो गया, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। 3 जब 1000 प्लेस पे है, 5 के लिए भी वैसे ही होगा, 7 के लिए भी वैसे ही होगा। बेसिकली ये आपको बेसिक नॉलेज मिल गई है कि जब भी सम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे करना है। एक मस्त चीज देखते हैं, क्वेश्चन है कि राहुल ने पार्टी रखी, उसके साथ दोस्त है, पार्टी में उसे एटलीस्ट एक दोस्त को बुलाना है। राहुल ने रखी पार्टी, शुड कॉल मस्ट कॉल एटलीस्ट वन ऑफ हिज 7 फ्रेंड्स, ठीक है, मस्ट कॉल एटलीस्ट। अब पहले देखते हैं एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने, कम से कम एक या दो या तीन या चार या पांच या सात को बुला ले, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले कंडीशन लेते हैं कि उसने 7 में से सिर्फ एक को बुलाया, 7C1 और बुला लिया, या दो को बुला लिया, या तीन को बुला लिया, या चार को बुला लिया, या 5 को बुला लिया, या 6 को बुला लिया, या 7 के 7 को बुला लिया, ठीक है भैया। या तो 7 में से किसी एक को बुला लिया, उसने चूज ही करना है बेसिकली, बुलाने में क्या, बुलाने अरेंज थोड़ी करना बुला के। मैं सपोज अपनी एक पार्टी रखता हूँ, उसमें मैं 3 लोगों को बुलाऊ, मैं ये थोड़ी कहूंगा अरे पहले तू आ फिर तू आ फिर तू आ वापस जाओ, एक बार तू आ एक बार तू आ एक बार तू आ, अरेंजमेंट थोड़ी कंसिडर करना है मुझे, मुझे बस उन्हें बुलाना है, चाहे तीनों साथ में चाहे एक एक करके कभी भी आते रहे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कॉम्बिनेशन करना है बेसिकली, चुनना है सिर्फ 7 में से किसी एक को चुन लिया, या मतलब और मतलब एडिशन, 7 में से किसी एक को चुन लिया, या 7 में से किसी दो को चुन लिया, या 7 में से किसी तीन को चुन लिया, या 7 में से चार को चुन लिया, या 7 में से पांच को चुन, या 7 में से छह को चुन लिया, या 7 में से सात को चुन लिया। ये भैया हो गया आपका आंसर। ओके यार ये क्या है, ये तो ठीक है, इसमें नई सोच तो मिली नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अब देखते हैं वो नई सोच क्या है। फ्रेंड, उसके फ्रेंड बनाते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये उसके साथ दोस्त हैं। अब राहुल किसी को फोन करेगा, राहुल ने सपोज इसको तीसरे बंदे को फोन किया, उसने फोन उठाया, ये बात हो रही है, अब राहुल क्या कहेगा, राहुल को या तो बुलाना है या नहीं बुलाना है, अब चाहे आए ना आए वो उसकी मर्जी, राहुल को बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो राहुल को जैसे हम टॉस करते हैं, जब टॉस में या तो हेड जाएगा टेल्स आएगा, वैसे ही ये जो केस है इसमें या तो वो उसे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, मतलब सपोज पहले बंदे के लिए या उसे बुलाएगा या उसे नहीं बुलाएगा, दो ही ऑप्शन है, या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा,
ये बुलाने के लिए, ये ना बुलाने के लिए, इसके लिए भी या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। हमें ये करना है, एवं ये करना है, एवं 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 सबको कर दिया भैया अपन ने मल्टीप्लाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखें, ऑब्जर्व करें, पहले को बुला लिया, दूसरे को नहीं बुला और बाकी किसी को नहीं बुलाया, जो सेकंड वाला वन है वो ना बुलाने के लिए, या पहले को बुला लिया, दूसरे को बुला लिया, बाकी किसी को नहीं बुलाया, पहले को नहीं बुलाया, दूसरे को बुला लिया, तीसरे को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। देखने वाली बात ये है कि इसमें सारे केस इंक्लूड हो रहे हैं, समझ रहे हो आप, कि अगर मैं इसमें बुलाने वाला ऑप्शन चुनता हूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो मैं किसी को नहीं बुलाऊं, मैं इसको बुला रहा हूं तो इन सबको नहीं बुलाया चलेगा, इनमें से किसी को भी, मैंने पहला वाला वन किसी के लिए भी चूज कर लिया, दूसरा वाला वन किसी के लिए भी चूज कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे केस इंक्लूड हो जाएंगे। पर देखने वाली बात ये कि इसमें एक और केस इंक्लूड होगा जिसमें ये वाला वन होगा, 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 मतलब सबके सेकंड वन होंगे ये, ठीक है, सबके जब सेकंड वन होंगे तो कौन सा केस है, व्हेन ही हैज कॉल्ड नोबडी, ये भी आपका आंसर है, समझे आप, या तो बुलाया या नहीं बुलाया, या बुलाया या नहीं बुलाया, बुलाया या नहीं बुलाया, ऐसे ही ये भी करना है, एवं ये भी करना है, एवं ये भी करना है, एवं में मतलब है कि हमें या तो इसको बुला ले या नहीं बुलाए, या तो इसको बुला ले या नहीं बुलाए, लेकिन कॉल सबको जाएगा, समझ रहे हैं, मैं सबको बोलूंगा कि तू आ या नहीं आ, इसको बोलूंगा या तो आ या नहीं आ, या तो आ या नहीं आ, या तो आ या नहीं आ, ऐसे। अब भैया आंसर तो ये भी है, आंसर ये भी है, ये जो है ये बड़ी प्यारी अप्रोच होती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने, ये वाली जो है ये है, तो ये मतलब बराबर तो होने चाहिए, ऐसे कैसे बराबर नहीं होंगे, ठीक है, इसको लिखते हैं, सबमिशन ऑफ आई इक्वल टू वन से लेके सेवन, सेवन सी आई इक्वल टू टू की पावर सेवन माइनस वन, That implies integral of summation of, ऊपर कहीं लिखता हूं उसे, summation of i equal to जीरो से लेके सेवन, क्योंकि मैं जो वन है वन को क्या लिख सकता हूं, बताओ बताओ क्या लिख सकता हूं, सेवन सी जीरो, इसको उठा के इधर ले आए, सेवन सी आई इज इक्वल टू टू की पावर सेवन, यहां से हम एक चीज देखते हैं, सबमिशन आई जीरो से लेके एन, एन सी आई होता है टू की पावर एन, ये हमेशा याद रखेंगे, बाइनोमियल में भी ये बहुत काम आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हमने बेसिकली डिराइव भी एक तरीके से कर ही लिया कि ऐसे होता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना समझ में आए बार बार रिपीट करके देखिए, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन वही है, ट्रू और फॉल्स आता है हमारे पास एग्जाम में, या ट्रू करो या फॉल्स करो, ठीक है, यही है कि भैया आपने नाम बताओ यार, कोई क्या नाम रखे, क्या नाम चल रहा है आजकल, छोड़ो कुछ भी रख लेते हैं, रॉकी, ये रॉकी भैया बैठे थे टेस्ट देने, ट्रू और फॉल्स करो, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, दस क्वेश्चन थे, 10
questions. If the number of ways in which Rocky wrong answers. बड़ा ही बेहुदा सवाल है ये, पूछ रहा है गलत जवाब, रॉकी का बेचारे का कैरियर का सवाल है, उससे मुझे कि ये गलत जवाब दे। चलो ये क्वेश्चन के तो हम कर ही देते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10। अच्छा एक कंडीशन और है क्वेश्चन में, ही मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। मतलब सारे सवालों का जवाब वो देगा और पूछ रहे कितने तरीकों में वो गलत आंसर दे सकता है, देख लेते हैं। या तो उसका आंसर ट्रू, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर वो कितने तरीकों में दे सकता है, दो तरीकों में, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, लिख देते हैं ट्रू देगा या फॉल्स देगा, 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 ठीक है। ये अगर मैं सबका पहला वन चुन रहा हूं तो उसका मतलब है सबके आंसर ट्रू दिए, ट्रू 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 ऐसे। अगर सेकंड वाला वन चुन रहा हूं सबके लिए मतलब फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, या फिर ट्रू इसका फॉल्स चुन लिया, इसका ट्रू इसका फॉल्स चुन लिया, इसका ट्रू चुन लिया, इसका फॉल्स चुन लिया। टोटल नंबर ऑफ इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितने हुए, 2 की पावर 10 या 2 की पावर 10 वो सारे केसेस जिसमें वो 10 ट्रू और फॉल्स को अटेम्प्ट कर सकता है, समझ रहे हो। अगर उसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो उसका 2 की पावर 10 तरीके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इसमें सपोज सबका आंसर ट्रू था, ठीक है, तो पहला वाला मन जब मैं सबका मतलब जो असली आंसर था जो टीचर ने सेट किया था वो था कि सबका आंसर ट्रू है, सबका उसने पहला वाला चुन लिया भैया तो उसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये एक मैं रैंडम केस ले रहा हूँ कि सबका आंसर ट्रू है असली में, तो माइनस वन में करूंगा कोई ना कोई केस तो राइट होगा, राइट आंसर भैया समझो, इसमें से कोई ना कोई केस तो ऐसा होगा जिसमें सारे आंसर उसके सही हो जाएंगे, तो यही हमने किया। ये अपना हो गया आंसर, इसको वैसे भी कर सकते थे कि हम लोग कहते कि वो उसे ट्रू चुनना है तो वो 10C1 कर लेते प्लस 10C2 प्लस 10C3 वगैरह वगैरह वगैरह, बट ये ज्यादा अच्छी अप्रोच लगती है मुझे, तो ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, देख के लगाओ, बट भैया अगली बार जब भी तुम ट्रू और फॉल्स का अटेम्प्ट करना तो याद रखना कि 2 की पावर 10 2 की पावर 10 तरीके होंगे तुम्हारे पास देने के, जरा संभाल के देना, गलत होने का चांसेस बहुत है, ठीक है। इसके साथ मैं अगला लेक्चर एंड करता हूँ, अगले में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से डील कर लेंगे, उसके अगले लेक्चर में अपन डील कर लेंगे फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की पावर वगैरह, तो उसके बाद आपका परमिटेशन खत्म है। मल्टीनोमियल एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, बट वो बाइनोमियल में आपको जो आप बाइनोमियल की वीडियो लेक्चर देखोगे उसमें आपको मल्टीनोमियल सिखा दिया जाएगा।